न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी के एक और शहर का नाम बदलने को लेकर उठी मांग की। ये मांग बाबा बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठाई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार यूपी के मुरादाबाद में अपना दरबार लगाया है। इसी दौरान हजारों भक्तों के सामने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है, तो मुरादाबाद का नाम भी बदला जाना चाहिए। सनातन को बढ़ावा देने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरादाबाद का नाम बदलने के कई कारण भी गिनाए। बागेश्वर धाम के पुजारी ने कहा कि जिस नगर में सिद्ध बलि हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला माता मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, उन्होंने आगे कहा कि जहां नीम करौली बाबा का मंदिर हो, माता गंगा जहां प्रकट हुई हो, ऐसे नगर को मुरादाबाद कहना इन मंदिरों की अवहेलना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुरादाबाद में जब इतने मंदिर हैं, तो इसका नाम अब माधव नगर कर देना चाहिए। बागेश्वर धाम के पुजारी ने मुरादाबाद के नजदीकी जिले संभल के हरिहर मंदिर में भी बंद पड़ी पूजा को फिर से शुरू करने की बात कही। मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग पर हमने शहर के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपको क्या लगता है, माधव नगर नाम करने की मांग कर दी है धीरेन्द्र शास्त्री ने, आप उससे सहमत है और क्यों? पूर्ण तरह सहमत है, क्योंकि ये नाम महाराज जी ने भी जैसा कि बोला कि उनको बोलने में अंतर आत्मा उनकी नहीं संतुष्ट होती, वैसे हमारी भी अंतर आत्मा संतुष्ट नहीं है इस नाम को पुकारने से, इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसका नाम माधव नगर ही होना चाहिए। ये दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जो आज मंच पर और कल से हमने भी वीडियो देखी, घोषणा की गई है कि इसका नाम माधव नगर होना चाहिए, बहुत ही सुंदर कहा है और वास्तव में हम सबको साथ होकर एक होके साइन करना चाहिए और सबको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हाँ, ये मुरादाबाद की जगह माधव नगर अवश्य होना चाहिए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पूरा देश इस समय जाग चुका है और ये नाम आज जो बागेश्वर धाम के पटाधीश ने आज कहा है, ये समझिए कि अब हो ही गया है, कुछ पल बाकी रह गए हैं। होना ही चाहिए, ये वैसे भी पीतल नगरी था, मुरादाबाद तो नाम ही नहीं सूट करता है, और महाराज जी ने जो कहा है वो एकदम सत्य है, इतना जल्दी हो सके इस पे तो हमारे मुख्यमंत्री जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसका नाम यही बदल करके होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुरादाबाद एक ऐसा नाम है जो मुगल राज्य को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, और इस मुरादाबाद में माँ काली का सिद्धिपीठ मंदिर है, इधर हम देखें तो क्या नाम है 84 घंटा मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, गंगा यमुनी तहजीब है, या इधर इस कोने पे रामगंगा है तो उस कोने पे गागन विराजमान है, तो ऐसे पवित्र स्थान पर पड़ोस में क्या नाम है अगर हम देखें तो कल्की धाम विराजमान है, तो ऐसे पवित्र स्थान का नाम माधव होना चाहिए। मुझे लगता है इसलिए थोड़ी देरी कर दी गई, ये जल्दी हो जाना चाहिए था और अब भी कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर और अकबर का समय नहीं बचा ना मुराद का समय, ये भगवान राम का समय और भगवान राम की धारा है। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं ईश्वर का एक स्थान है, चाहे राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ का स्थान हो, और मुरादाबाद का कल्की का धाम है, तो इसका नाम ईश्वर के नाम से जुड़ा होना चाहिए, सनातन परंपरा से जुड़ा होना चाहिए और माधव नगर होना चाहिए। भगवान माधव नगर से ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, माधव की जन्मभूमि का शुभारंभ भी होना चाहिए।